अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित एक बार फिर विवादों में हैं। एक बार फिर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बार फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुड्डू पंडित व उनके 15-20 समर्थकों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व विधायक ने कोरोना काल में दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए अपने साथियों को एकत्रित कर केक काट कर जन्मदिन मनाया था। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दादरी पुलिस ने गुड्डू पंडित के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 207 के तहत मामला दर्ज किया है। हाईवे पर गाड़ी के बोनट पर केक काटते हुए दिख रहे ये जनाब बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित हैं, जो आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। ताजा मामला 7 मई को ग्रेटर नोएडा के दादरी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला, जहां ये जनाब कोरोना काल में अपने समर्थकों के साथ अपने ही एक समर्थक का केक काट कर जन्मदिन मना रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से विधायक और उनके समर्थक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, चलते हाईवे पर बीच हाईवे पर रुककर गाड़ी के बोनट पर केक काट रहे हैं। पूर्व विधायक द्वारा की गई इस हरकत से हाईवे पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन इन जनाब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी, मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था, क्योंकि मेरी मदर लो एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए, तो मैं इनको रोन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया, भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को, यार देश कोरोना से लड़ रहा है, तो आप लोग केक काट रहे हो, आप ब्राह्मण हो, जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पठात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने वाले और जन जन को जनाने वाले ही आज समाज में जितनी घृणा एक दूसरे के प्रति, वायरस ये सब फैल रहा है, तो आज आप लोगों को तो लोगों को समझाना चाहिए। ये उनके विरुद्ध 188, 269, 270 आईपीसी के तहत थाना दादरी पर पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसका संज्ञान लेते हुए दादरी थाना पुलिस ने इनके और इनके समर्थकों के खिलाफ दादरी कोतवाली में FIR दर्ज की है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।